प्यारे बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक और प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 25। बहुत ही सिंपल सा और एक अच्छा प्रॉब्लम है, इसको जल्दी से फेस कीजिएगा, क्योंकि आपको पता ही है शॉर्ट क्वेश्चंस आपके बनेंगे, तो आपका एक भी शॉर्ट गलत नहीं होना चाहिए। पहले एमसीक्यूज आया करते थे, वो एमसीक्यूज हट चुके हैं, उसकी जगह शॉर्ट आएंगे, वेरी शॉर्ट आएंगे, तो आपको वन वर्ड या फिर एक लाइन के अंदर आपको आंसर देना बिल्कुल कॉन्साइज तरीके से। तो देखिएगा, यहाँ पर प्रॉब्लम नंबर 25 के अंदर आपसे क्या कह रहा, आपसे पूछ रहा है If the temperature of a good conductor, देखो एक अच्छे कंडक्टर की बात चल रही है और उसके टेम्परेचर की, देखो टेम्परेचर को किस तरह चेंज कर रहे हैं, ध्यान दें। If the temperature of the good conductor increases, अगर आप एक अच्छे कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या होने वाला है, हाउ डज द रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर चेंज, तो जो रिलैक्सेशन टाइम होता है वो कंडक्टर के अंदर किस तरह से चेंज होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसको समझने के लिए आपको पता है कि रिलैक्सेशन टाइम के बारे में मैंने कितना डिटेल्स में बताया था, आप लोग लेक्चर देखें करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे, उसमें आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, शुरुआत में मिल जाएगा, जहाँ पर मैंने आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बताया, तो वहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम 100% एक्सप्लेन किया हुआ है। क्या होता है रिलैक्सेशन टाइम, होता ये है जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्टर के पॉजिटिव आयंस के साथ टकराते हैं, तो किन्हीं दो टक्करों के बीच का जो टाइम होता है ना, उसी को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। अब जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू कर दोगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास रैंडमनेस ज़्यादा आनी शुरू हो जाएगी, इट मीन्स उनकी मोशन रैंडमली बढ़नी शुरू हो जाएगी, और जैसे उनकी मोशन बढ़ेगी वैसे ही उनकी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव आयंस के साथ ज़्यादा कोलाइड करें, फ्रिक्वेंटली मतलब बार बार कोलाइड करें। तो इससे होगा क्या, इससे यह होगा कि ज़्यादा कोलिजन्स होंगी, तो इसका मतलब यह है कि जो बीच का गैप था, दो कोलिजन के बीच का गैप था, वो कम हो गया, इसका मतलब जो टाइम लग रहा था दो कोलिजन में वो घट गया। तो बस यही बताना आपको, क्या बताना कि रिलैक्सेशन टाइम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो भाई रिलैक्सेशन टाइम जो है वो डिक्रीज हो गया। तो आप ये वाली बात लिख सकते हैं, एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, या फिर आप वन वर्ड में लिख सकते हैं एज द टेम्परेचर of the good conductor increases, the collisions between electrons and positive ions क्या लिखा हमने, The collisions between electron and positive ions frequently increases. और जब यार collisions बढ़ गई हैं तो जो बीच में आराम करने का टाइम मिल रहा था इलेक्ट्रॉन को, वो तो खत्म हो गया, वो कम हो गया, ये भी कह सकते हैं आप। तो इसका मतलब रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, घट गया। सो द रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन, या पता है रिलैक्सेशन टाइम किसे कहते हैं, डायरेक्ट लिखो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस, 100% बनेगी आपकी अगर आप इसी तरह से तैयारी करते रहे, एक को एक वीडियो देखो, हर चीज को समझो बारीकी से और उसको उतारने की कोशिश करो अपने व्यवहारिक जीवन में, तभी तो आपको साइंस समझ में आनी शुरू हो जाएगी।